आपने कहा कि अब लड़ाई तपस्या की है, राजनीतिक नहीं, तो क्या अब आप तपस्वी हो गए हैं? नहीं, मैं तपस्वी था, आप भी तपस्वी हैं। ये देश तपस्वियों का देश है। जैसे लोगों ने कहा कि देखो राहुल गांधी कितने किलोमीटर चल गया, लोग ये क्यों नहीं कहते कि देखो किसान कितने किलोमीटर चलता है। हिंदुस्तान का कोई भी किसान नहीं है जो मुझसे ज्यादा नहीं चला है, एक नहीं है हिंदुस्तान का ऐसा। आप एक मजदूर नहीं मिलेगा आपको जो मुझसे कम चला है। हम ये क्यों नहीं कहते देखो देखो मजदूर कितने किलोमीटर चला है, क्योंकि हम तपस्या की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। मैं करता हूं, तो ये चेंज लाना है। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। और अगर जैसे मैंने कहा इस देश को सुपर पावर बनना है जो आप कहते रहते हो, तो तपस्वी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उत्पादक की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, उससे गले मिलना पड़ेगा, बैंक के दरवाजे उसके लिए खोलने पड़ेंगे, उसकी प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का डीएनए बांटो और राज करो का है, डिवाइड एंड रूल का है। इसलिए बार बार इस देश को बांटना, सांप्रदायिक रूप से बांटना, जाति के आधार पर बांटना, और अब फिर से एक बार एक कुत्सित प्रयास हिंदुओं को बांटने की। तपस्वी हो या पुजारी हो, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं हिंदू धर्म सनातन धर्म में। परंतु राहुल गांधी कहते हैं कि ये देश तपस्वियों का सम्मान नहीं करता। मैं सम्मान करता हूं, परंतु ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश तपस्वियों का है। तपस्या और तपस्वियों का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए पुजारियों को अपमानित करना, उसके लिए पुजारियों को इस प्रकार से वक्तव्य देना उसके विषय में, क्या ये राहुल गांधी की मानसिकता को नहीं दिखाता?